देखिए, तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है कि अ पार्टिकल ऑफ मास एम एंड चार्ज माइनस क्यू एंटर्स द रीजन बिटवीन द टू चार्ज प्लेट्स इनिशियली मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस विद द स्पीड वी एक्स. ठीक है, द लेंथ ऑफ द प्लेट इज एल एंड एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज मेंटेन्ड बिटवीन द प्लेट्स. शो दैट द वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ द पार्टिकल एट द फार एज ऑफ द प्लेट इज क्यू ई एल स्क्वेयर बाय 2m v x का स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है कि एक पार्टिकल है मास m का, ठीक है, जिसका चार्ज कितना है माइनस क्यू. उसे हमने क्या करा है, वो क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है दो चार्ज प्लेट्स के बीच में. ठीक है, तो हम डायग्राम बना लेते हैं कि ये एक दो चार्ज प्लेट्स हैं. ठीक है, ये है पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, और ये है नेगेटिवली चार्ज. ठीक है, अब यहाँ पे एक माइनस क्यू का चार्ज एंटर कर गया. ठीक है, माइनस क्यू का चार्ज एक एंटर कर रहा है. अब देखिए, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में एक्ट करने वाली है. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में एक्ट करेगी. और देखिए, ये माइनस क्यू का चार्ज है तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, मतलब वी एक्स इस डायरेक्शन में है. ठीक है, चलिए, तो वी एक्स हो गया. यहाँ से ये क्या करेगा, जब ये मूव करेगा चार्ज, ठीक है, मूव करते हुए ये पॉजिटिवली के पॉजिटिव प्लेट के पास जाता रहेगा. ठीक है, इसकी डिफ्लेक्शन कहाँ होगी, पॉजिटिव प्लेट के पास डिफ्लेक्शन हो जाएगी इसकी. ठीक है, मतलब इसके डिफ्लेक्शन को हमने क्या नाम दे दिया, वाई से. ये इतनी इसकी क्या हो रही है, डिफ्लेक्शन हो रही है. ठीक है, और यहाँ पे जो प्लेट है इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ को हमने बोल दिया, ये कितनी लेंथ है, एल लेंथ है. ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है कि ये रिलेशन जब वर्टिकल डिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये रिलेशन बनना चाहिए. ठीक है, जब वर्टिकल डिफ्लेक्शन हो रहा है तब रिलेशन ये आना चाहिए. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें हमारे पास गिवन है हम वो लिखेंगे. ठीक है, चलिए, तो गिवन लिखते हैं. तो गिवन क्या क्या है हमें, तुम्हें गिवन है कि चार्ज ऑन द पार्टिकल, चार्ज ऑन द पार्टिकल कितना है, माइनस क्यू का चार्ज है. ठीक है, पार्टिकल के ऊपर कितना चार्ज है, माइनस क्यू का. चार्ज का मास कितना है, चार्ज का मास कितना है हमारे पास एम. ठीक है, चार्ज का मास कितना है हमारे पास एम है. लेंथ ऑफ द प्लेट कितनी है, लेंथ ऑफ द प्लेट कितनी है हमारे पास एल. ठीक है, लेंथ ऑफ द प्लेट कितनी है, एल. मैग्नीट्यूड किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है हमारे पास, ई. ठीक है, मतलब ई हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है, मैग्नीट्यूड है. ठीक है, तो ये चीज़ें हमें क्या है यहाँ पर गिवन है. ठीक है, और एक वेलोसिटी भी है, और ये वेलोसिटी कितनी है उसकी, वेलोसिटी है हमारे पास वी एक्स की वेलोसिटी है. ठीक है, तो ये चीज़ हमें गिवन है, ये हमारा क्या बन गया यहाँ पर डायग्राम. हमें प्रूफ क्या करना है कि ये रिलेशन वर्टिकल डिफ्लेक्शन का होगा कि नहीं होगा. ठीक है, चलिए तो प्रूफ करते हैं. तो जैसा हम जानते हैं कि जो फोर्स होता है, ठीक है, जो फोर्स होता है वो उसका फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन. ठीक है, तो फोर्स एफ हो गया, मास हमारा एम हो गया, और एक्सेलरेशन का हमने क्या लिख लिया, ए. ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम ए का एक रिलेशन निकाल सकते हैं. ठीक है, ए का एक फॉर्म आ सकता है हमारे पास एफ डिवाइडेड बाय एम. ठीक है, एक्सेलरेशन का हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, एफ डिवाइडेड बाई एम, मतलब फोर्स डिवाइडेड बाई मास. अब देखिए, जो फोर्स होती है, ठीक है, जब हमारे पास कोई चार्ज हो और इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ठीक है, जब फोर्स होती है चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्या होती है, क्यू इंटू ई का फोर्स हो जाता है. ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन हमारे कितने की इक्वल हो गई, क्यू इंटू ई बाय एम के इक्वल हो गई. ठीक है, तो ये हमने एक इक्वेशन बना ली यहाँ पे फर्स्ट. ठीक है,
तो इक्वेशन बन गई। अब देखिए, जब हमारा जो चार्ज पार्टिकल था, ठीक है, वो डिफ्लेक्शन कर रहा था, वर्टिकल डिफ्लेक्शन कर रहा था, तो उसने कुछ टाइम लिया होगा, ठीक है, उसने कुछ टाइम लिया, तो टाइम टेकन बाय चार्ज पार्टिकल, ठीक है, चार्ज पार्टिकल, ठीक है, फॉर फॉर वर्टिकल डिफ्लेक्शन, ठीक है, फॉर वर्टिकल डिफ्लेक्शन, मतलब वर्टिकल डिफ्लेक्शन के लिए जो टाइम टेकन लिया, जो टाइम लिया किसने, चार्ज पार्टिकल ने, तो वो कितना होगा, ठीक है। तो देखिए, जैसे हम फॉर्मूला जानते हैं, स्पीड क्या होता है, इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमें क्या चाहिए, टाइम चाहिए, तो हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं कि टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो सकता है। तो देखिए, डिस्टेंस यहाँ पे डिस्टेंस क्या है कि जो लेंथ थी प्लेट्स की, ठीक है, जो लेंथ थी प्लेट्स की, तो वो कितनी थी, मतलब हम क्या लिख सकते हैं, टाइम को हमने लिख दिया टी से, ठीक है, टाइम को हमने लिख दिया टी से, डिस्टेंस को हमने किसने क्या दे दिया, एल, जो लेंथ थी किसकी, प्लेट्स की, और स्पीड, स्पीड क्या था हमारे पास, वेलोसिटी वी एक्स थी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, टाइम का एक रिलेशन आ गया, ठीक है। तो ये होगी सेकंड इक्वेशन। अब देखिए, जब हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, मतलब जो हमारा पार्टिकल है वो वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, तो इन इन द वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है, इन द वर्टिकल डायरेक्शन, तो यहां पे जो इनिशियल वेलोसिटी होती है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी मतलब हमारा u, वो कितना होता है यहाँ पर, जीरो होता है, ठीक है, जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी मतलब हमारा जो u होता है वो कितना होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो देखिए, ये हमने रिलेशन निकाल लिए, कुछ इक्वेशंस बना ली, जैसे फर्स्ट इक्वेशन बना ली है, सेकंड इक्वेशन बना ली है, ठीक है। तो अब हमें वो प्रूफ करना है फॉर्मूला, ठीक है, उस फॉर्मूले को हमें प्रूफ करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, चलिए तो आगे कर देते हैं थोड़ा। तो देखिए, तो जो हमें प्रूफ करना है उसके लिए हम क्या लिखेंगे कि जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है, उसकी लेंथ भी है, वहां पर टाइम भी कुछ लग रहा है, ठीक है, और एक्सेलरेशन भी है, तो इन सब के लिए हमारा एक इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो वो है थर्ड इक्वेशन ऑफ, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वो क्या होती है कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ठीक है, हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो s है, ठीक है, जो s है, ये हमें क्या बता रहा है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन बता रहा है, ठीक है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन बता रहा है, ठीक है, ये हमें क्या बता रहा है कि वर्टिकल डिफ्लेक्शन कितनी हुई, मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं, ठीक है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन को हमने क्या डिनोट किया था, y डिनोट किया था। इसमें u, u हमारा कितना था, जीरो, टाइम हमारा था l बाय bx, हाफ a की वैल्यू क्या थी, q e बाय m, ठीक है, क्यू ई बाय एम, और t स्क्वायर मतलब टाइम का स्क्वायर, तो टाइम हमारे पास था एल वी एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से y हमारे पास क्या आ जाएगा, ये तो पूरा जीरो हो गया, तो जीरो प्लस हाफ, ठीक है, y क्या आ गया, जीरो प्लस हाफ इंटू क्यू ई बाय एम, इसका हो जाएगा एल स्क्वायर वी एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो जब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हमें रिलेशन क्या मिल जाएगा, एक कि y इज इक्वल टू क्यू ई एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू एम वी एक्स का स्क्वायर, और यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी, ठीक है। और देखिए, और जो पार्टिकल है और जो उसकी डिफ्लेक्शन हो रही है, वो डिफ्लेक्शन कैसी है, पैराबोलिक है, ठीक है, तो डिफ्लेक्शन, ठीक है, तो डिफ्लेक्शन
ऑफ द पार्टिकल इज पैराबोलिक, ठीक है, इज पैराबोलिक मतलब लाइक प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, लाइक प्रोजेक्टाइल, ठीक है, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन होता है वैसी इसकी डिफ्लेक्शन है वो कैसी है, पैराबोलिक है, ठीक है। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं,